हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि हम घर पे रेजिस्टेंस बैंड की मदद से लेग वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां स्क्रीन पे आपको रेजिस्टेंस बैंड के पिक्चर्स दिख रहे होंगे। आप इसे अमेजन से इजीली परचेज कर सकते हैं। यह आपको मल्टीपल कैसेट या फिर सिंगल में भी अवेलेबल होता है। हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। इसको परफॉर्म करने के लिए हम एक सुटेबल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बैंड ले लेंगे और इसके दोनों एंड पे अटैचमेंट लगा लेंगे। रेजिस्टेंस बैंड की लेंथ हमें थोड़ी छोटी चाहिए, इसलिए इसमें एक नॉट लगा लेंगे। अपने लेग की मदद से हम रेजिस्टेंस बैंड को सेट करेंगे और स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होगा। हमें नी पे एक सॉफ्ट बेंड रखना है और हमारा बैक न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल बैक मेंटेन करते हुए हम स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। हमें बैक को ओवर आर्क या राउंड नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि इस मूवमेंट को परफॉर्म करते वक्त हमारा फोकस हिप ड्राइव पे हो। हम अपने हाथों का मिनिमम इस्तेमाल करेंगे। हमने अपने हाथों से बस रेजिस्टेंस बैंड का हैंडल होल्ड करके रखा है, पर हमारा मूवमेंट जो है वो हमारे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट मसल को इन्वॉल्व करते हुए होना चाहिए। इस तरह हम इस एक्सरसाइज के 10 टू 15 रिपीटेशन कंप्लीट करेंगे और इन टोटल हम इसके 3 सेट्स कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स परफॉर्म करने के लिए हम इस तरीके से रेजिस्टेंस बैंड के मदद से सेटअप कर लेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होगा। इस तरीके से हम रेजिस्टेंस बैंड का हैंडल होल्ड करेंगे और हमारे फुट के बीच शोल्डर विथ डिस्टेंस होगा। एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हम इस तरीके से अपनी अपर बॉडी को अपराइट रखते हुए नीचे डिसेंड करेंगे और बॉडी अपराइट रखते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि जब हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा नी हमारे टोज के डायरेक्शन में पॉइंटेड होने चाहिए। हमारे नी ज़्यादा इनवर्ट या ज़्यादा आउटवर्ट नहीं होने चाहिए। अगर हमारा नी हमारे टोज से इनवर्ट या फिर आउटवर्ड होता है तो हमारे नीज़ पे ज़्यादा प्रेशर आता है, जिसके वजह से हम बाद में पेन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसके 10 टू 15 रिपीटेशन कंप्लीट करेंगे और टोटल 3 सेट कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग लंजेज। इसे परफॉर्म करने के लिए हम अपने रेजिस्टेंस बैंड में इस तरीके से एक लूप बना लेंगे। अपने राइट लेग को फॉरवर्ड लेंगे और इस लूप की मदद से रेजिस्टेंस बैंड को हम सिक्योर कर लेंगे। रेजिस्टेंस बैंड के हैंडल को हम अपने दोनों हाथों में इस तरीके से होल्ड करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होगा। एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हम इस तरीके से स्लोली डाउनवर्ड डिसेंड करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारा टॉर्सो अपराइट हो। हमारा नी टोज से स्लाइटली फॉरवर्ड जा सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि नीज टोज से बहुत ज़्यादा आगे ट्रैवल ना करे। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें अपने दोनों लेग के बीच का डिस्टेंस को थोड़ा इनक्रीज करना है। इस तरीके से हम इसके 10 टू 15 रिपीटेशन कंप्लीट करेंगे और टोटल 3 सेट कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। इसे परफॉर्म करने के लिए हमें रेजिस्टेंस बैंड को किसी डोर की मदद से इस तरीके से सिक्योर करना है। उसके बाद हमें एंकल स्ट्रैप को इस तरीके से अपने एंकल के पास टाई कर लेना है। अब हम रेजिस्टेंस बैंड के एंड को अपने एंकल स्ट्रैप में इस तरीके से अटैच कर लेंगे और स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हम इस तरीके से अपने लेग को बेंड करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि ये मूवमेंट स्लो एंड कंट्रोल्ड हो। हमारे हिप जॉइंट पे कम से कम मूवमेंट होना चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि हमारा हिप और अपर बॉडी स्टेबल हो। इस तरीके से हम इसके 10 टू 15 रिपीटेशन कंप्लीट करेंगे और टोटल 3 सेट कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट मूवमेंट है रेजिस्टेंस बैंड पुल थ्रू। इसे परफॉर्म करने के लिए हम रेजिस्टेंस बैंड को डोर की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे
और इस तरीके से अपने फ्रंट में रेजिस्टेंस बैंड का हैंडल होल्ड करेंगे। मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम अपने नीज में सॉफ्ट बेंड रखते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे और अपने ग्लूट को स्क्वीज करते हुए वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम अपने ग्लूट मसल का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में आते हुए हमें अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करना है। हमारा बैक थ्रू आउट न्यूट्रल रहेगा और हमारा मूवमेंट स्लो एंड कंट्रोल होने चाहिए। हम ध्यान रखेंगे कि हम नीचे जाते वक्त अपने बैक को राउंड या फिर ओवर आर्क नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसके 10 टू 15 रिपीटेशन कंप्लीट करेंगे और टोटल 3 सेट कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है लाइंग रेजिस्टेंस बैंड लेग प्रेसेस। इसे परफॉर्म करने के लिए हम रेजिस्टेंस बैंड के हैंडल को इस तरीके से अपने सूज में सिक्योर कर लेंगे और मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए स्लो एंड कंट्रोल अपने लेग को स्ट्रेट कर लेंगे। लेग को स्ट्रेट करते वक्त हमें अपने नीज को लॉक नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि जब लेग को हम अपने बॉडी के क्लोज ला रहे हैं तो जितना पॉसिबल हो हम चेस्ट के उतना पास लाएं और लेग को स्ट्रेट करते वक्त नी में एक सॉफ्ट बेंड रखें। इस तरीके से हम इसके 10 टू 15 रिपीटेशन कंप्लीट करेंगे और टोटल 3 सेट कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है सीटेड लेग एक्सटेंशन। इस तरीके से हम एक चेयर की मदद से अपना सेटअप कर लेंगे और एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हम अपने लेग को फॉरवर्ड की ओर एक्सटेंड करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारा मूवमेंट कंट्रोल्ड एंड स्लो हो। इस प्रोसेस को हम अपने दूसरे लेग के लिए रिपीट करेंगे। इस तरीके से हम इसके 10 टू 15 रिपीटेशन कंप्लीट करेंगे और टोटल 3 सेट कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग काफ रेजेस। इस तरीके से हम एक बॉल के पास खड़े हो जाएंगे। एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हम एक हाथ से बॉल का सपोर्ट लेते हुए अपने हील्स को लिफ्ट करेंगे। हमारा बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहे इसके लिए हम अपने गेज को एक पॉइंट पे फिक्स करके रखेंगे। हमें बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली देखते रहना है। इससे हमें अपने बॉडी को बैलेंस कर पाना बहुत ईजी हो जाता है। हमें इस मूवमेंट को स्लो एंड कंट्रोल मोशन में एग्जीक्यूट करना है। इस तरीके से हम इसके 10 टू 15 रिपीटेशन कंप्लीट करेंगे और टोटल 3 सेट कंप्लीट करेंगे। That's all for this video. Hope you like this workout routine. See you in the next one.